देन ये आपने ग्राउंड कर दिया, ये एज अ इनपुट हो गया ए एंड बी, ये हो गया एज अ डी वन, ये हो गया एज अ डी टू, और ये यहाँ हो गया आउटपुट। आप एक एलईडी लगा लेते हैं यहाँ पे, तो एलईडी के ऑन होने को आप वन कहते और एलईडी के ऑन न होने को आप जीरो कहते। अगर ये और गेट है तो इनपुट आप तो डिसाइड कर लीजिए 0101 0011 एंड आपको पता है ए प्लस बी विल बी द आउटपुट। चलिए देखते हैं मिलेगा। आपने जीरो लगाया, जब आपने जीरो जीरो लगाया तो मतलब कोई वोल्टेज इधर लगाए ही नहीं, तो उधर कोई सेल है नहीं, इधर कोई सेल है नहीं, तो उस एलईडी के जलने का कोई सवाल ही नहीं है, जीरो हो गया। आपने एक पर प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई लगा दी कॉल्ड वन, यानी ए पर वन, और आपने एक को ग्राउंड ही रखा, तो ग्राउंड रखा तो इसका तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही प्लस 5 वोल्ट जोड़ेंगे ये फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि इधर कोई वोल्टेज नहीं है, मतलब जीरो। ये तुरंत फॉरवर्ड हुआ, करंट कंडक्ट किया और ऐसे मूव करते हुए करंट निकल गई, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, आउटपुट एलईडी ऑन हो गई तुरंत। एलईडी ऑन होते ही आपको मिला आउटपुट में वन। जब आपने इसको जीरो ग्राउंड कर रखा था तो अब डी वन काम नहीं करेगा, इसको प्लस 5 वोल्ट कर दिया आपने कॉल्ड वन, तो ये फॉरवर्ड हो गया, फट से इसने करंट पहुंचा दिया आउटपुट में, एलईडी ऑन हो गई। अकॉर्डिंगली आपने दूसरा भी 1 1 प्लस 5 वोल्ट यहाँ भी अप्लाई कर दिया, प्लस 5 दोनों मिलके करंट ले गए, नाउ यहाँ दोनों ऐड कर दिए और ओएलआर करंट नाउ बाईपास टू ग्राउंड हो गई, फिर इधर से निकल कर आई, फिर इन दोनों में चली गई है, यानी करंट सर्कुलेशन। ग्राउंड का मतलब है एब्जॉर्ब करना, ये प्लस 5 जो बना रहे हैं ये ऐसे ही, तो ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव ए, ये देखिए ग्राउंड, ये मतलब हुआ, मतलब ये जुड़े हुए हैं नीचे, मतलब ये करंट देगा, ये करंट देगा, ये करंट ऐसे होके यहाँ आ गई, हो गए ऐसे, हो गए ग्राउंड, फिर ऐसे नीचे से हो गए, फिर ये, फिर इन दोनों में पड़ गई, यानी कि यहाँ एक वोल्टेज ड्रॉप स्टार्ट हो गया, अकॉर्डिंगली आउटपुट एलईडी ग्लो कर गई। इस तरीके से दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट, और गेट जस्टिफाई हुआ। एंड गेट की बात कर लीजिए, एंड गेट भी दो पीएन जंक्शन से बनाया जाता है, तो अगर एंड गेट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो आपके पास ये दो पीएन जंक्शन है D1 एंड D2, इनका आपने ये एज अ पॉइंट ए इनपुट ले लिया, ये एज अ बी अगेन इनपुट ले लिया, एंड यहाँ एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक सेल ऐड कर दिया, आप 5 वोल्ट इसको ग्राउंड कर दिया और आपने आउटपुट ले लिया अक्रॉस दिस, ये इस टर्मिनल पर आपने आउटपुट ले लिया। अगर आप देखना चाहते हैं आउटपुट तो एक एलईडी ऐड कर दीजिए, ये एलईडी ऑप्शनल है, बाहर से लग रही है, अदरवाइज हम सिर्फ आउटपुट बना के छोड़ते। आप ये ऐसे लगा दीजिए एलईडी, देख लीजिए एलईडी ऑन होती है कि नहीं ऑन होती है, अगर ऑन हो जाती है तो 1 पढ़ेंगे, नहीं ऑन होती है तो 0 पढ़ेंगे। अभी सिंबॉलिकल देखे तो ये सिंबॉलिकली ये है, ये दिस इज द एंड गेट, ये अंदर का सारा कंटेंट हटा लीजिए, आपको इनपुट ए दिखेगा, इनपुट बी दिखेगा, आउटपुट टर्मिनल आपको एक दिखेगा वाई, और आपको एक ग्राउंड टर्मिनल दिखेगा जहां बैटरी जोड़ के ग्राउंड कर देना है, ये इस तरीके से। आ जाइए ट्रूथ टेबल देखते हैं, ये इनटू का काम करता था ना, तो ए और बी पर अगर डेटा देना शुरू करें 0101 00001, ये चलिए जरा देखते हैं कि आउटपुट में वाई का क्या, 00 हमने यहाँ 0 दिया, यहाँ 0 दिया, ध्यान से सुनिएगा, ये 5 वोल्ट जो लगा था, ये 5 वोल्ट इसको प्लस 5 वोल्ट पर मेंटेन करके रखा हुआ है, इसको प्लस 5 वोल्ट पे मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। एलईडी का क्या, चलिए 00 अप्लाई कीजिए, 00 मतलब इसको भी ग्राउंड से जोड़ दिया, इसको भी ग्राउंड से जोड़ दिया, जैसे ग्राउंड से जोड़ा देख रहा है ये दोनों डायोड फॉरवर्ड हो गया। अब ये जो 5 वोल्ट यहाँ से करंट आई देगा, उसके पास दो ऑप्शन है, बात मत कीजिए, इधर करंट बटेगी और इधर बटेगी, इधर फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन है, क्योंकि ये प्लस 5 वोल्ट है और ये इधर 00 होने की वजह से ये फॉरवर्ड ये फायर, और उधर जो है आउटपुट, आउटपुट हमेशा हाई रेजिस्टेंस मोड होता है, मतलब ये कि जो करंट ये सेल देगा उसके पास ऑप्शन है इधर और उधर बटने का, इधर फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन है,
लो रेजिस्टेंस में है, इनपुट में है, जबकि उधर आउटपुट लोड होता है इज आप हाई रेजिस्टेंस, अकॉर्डिंगली इस करंट का 99% डिस्ट्रीब्यूशन इधर हो जाएगा। ये फॉरवर्ड है, ये बाईपास कर देंगे करंट को। बाईपास करने का मतलब जैसे ही 0-0 देंगे, इस 5 वोल्ट की सारी करंट इन दो पीएन जंक्शन के थ्रू ग्राउंड में चली जाएगी और फिर ये सर्कुलेशन होगा करंट का। अगर ये सर्कुलेशन होगा तो एलईडी को कोई करंट ही नहीं मिली, यानी कि जब 0-0 होगा तो एलईडी बुझी रहेगी। 0-1 आपने, चलिए 0-1 आपने प्लस 5 वोल्ट यहां अप्लाई कर दिया, कॉल्ड 1 ऐड करना, प्लस 5 ये तो अनबायस्ड हो गया ना। अभी भी इस सेल की सारी करंट ये अकेले बाईपास कर देगा ग्राउंड में और ये सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा। अभी भी एलईडी को कोई करंट नहीं मिल रही है, तो एलईडी रिमेंस ऑफ 1-0। आपने इसको प्लस 5 वोल्ट कर दिया और इसको 0 यानी ग्राउंड कर दिया, तो ये तो अनबायस्ड हो गया, लेकिन ये तो अभी भी प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस है, लो रेजिस्टेंस मोड में है, इनपुट लो रेजिस्टेंस। इस सेल की मोस्ट ऑफ द करंट इनपुट के लो रेजिस्टेंस से होते हुए बाईपास हो जाएगी। ऐसे अभी भी एलईडी से कोई करंट नहीं जा रही, एलईडी अभी भी ऑफ है। 1-1 इसको भी प्लस 5 वोल्ट से जोड़ दिया और इसको भी प्लस 5 वोल्ट से जोड़ दिया। अब दोनों अनबायस्ड हो गए, इन्होंने करंट लेना बंद कर दिया, करंट लेना बंद कर दिया, तुरंत करंट का सर्कुलेशन ऐसे फ्लो होने लगा, तुरंत एलईडी ऑन हो गई। क्लियर है? यानी 1-1 लगाते ही आउटपुट एलईडी ऑन हो गई, कॉल्ड आउटपुट इज 1, क्या इनटू का रूल फॉलो नहीं हो गया? 0 × 0 = 0, 0 × 1 = 0, 1 × 0 = 1। यानी जब आप यहां 1-1 लगाएंगे तो एलईडी जल जाएगी, और इसके अलावा कुछ भी आप लगा के देख लीजिए, एलईडी नहीं जलेगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि दो पीएन जंक्शन के हेल्प से आप एंड गेट या एंड ऑपरेशन या एंड बुलियन एक्सप्रेशन को फॉलो कर सकते हैं। आ जाइए नॉट गेट। नॉट गेट ट्रांजिस्टर से बनाया जाता है, जनरली ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर ही होता है। अगर आप एक ट्रांजिस्टर बना लेते, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, यहाँ आपने जो वोल्टेज लगाई दैट इज VCC, और ये आपने इनपुट बना के छोड़ दिया एज अ ए, और आप आउटपुट ले रहे हैं नाउ यहाँ ये इस टर्मिनल पर और इस टर्मिनल पर, दिस इज द आउटपुट। चलिए एक एलईडी लगा देते हैं और देखते हैं ये एलईडी ऑन है कि ऑफ है, ठीक है। नाउ दिस इज ग्राउंडेड। चलिए यहां 0 लगाते हैं, मतलब इसको ग्राउंड कर दिए और देखते हैं क्या। आप ही सोचिए, ग्राउंड मतलब ये 0, ये ग्राउंड ही है 0, ये तो अनबायस्ड हो गया ना। एमिटर बेस तो फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए, इसका मतलब है ट्रांजिस्टर अनबायस्ड है, मतलब ये काम नहीं कर रहा है, मतलब ना करंट लेगा ना देगा। अब आप सोचिए इसमें सेल कहां लगा है, सेल यहां लगा है ना, ये सेल करंट देगा। जैसे ही करंट देगा, दो ऑप्शन है इसके पास, आउटपुट एलईडी से होके ग्राउंड में चली जाए और फिर ग्राउंड से होके देखिए सर्किट पूरी हो जाए। देखिए दिख रहा है, और या तो इस ट्रांजिस्टर से होके, तो ट्रांजिस्टर तो काम नहीं कर रहा है ना, जब बायस ही नहीं है तो करंट कंडक्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये जो VCC लगा था, जैसे ही इनपुट को आप 0 देंगे, ग्राउंड करेंगे, वैसे एलईडी ऑन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिस्टर में कलेक्टर वोल्टेज पर जो सेल लगा था, उसकी सारी करंट ट्रांजिस्टर को छोड़ के एलईडी से बाईपास हो जाएगी, तुरंत एलईडी ऑन हो जाएगा। यानी जैसे ही आप 0 देंगे इनपुट में, आउटपुट एलईडी ग्लो कर जाएगी 0-1। और चलिए इसको 1 दे देते हैं, तो यानी प्लस 5 वोल्ट आपने यहां अप्लाई कर दिया, प्लस 5 वोल्ट अप्लाई करते ही देखिए फॉरवर्ड हो गया, ये प्लस 5 वोल्ट एंड ये ग्राउंड है 0, ये फॉरवर्ड हो गया तुरंत। ये VCC की जितनी भी करंट है फॉरवर्ड होते ही बाईपास कर देगा, क्योंकि लो रेजिस्टेंस मोड में आ गया। अभी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इन एलईडी एंड ट्रांजिस्टर, इस VCC की जितनी करंट है वो करंट इस ट्रांजिस्टर से बाईपास टू ग्राउंड हो जाएगी, फिर ग्राउंड में से निकल के ये सर्कुलेशन हो गया, ये ठीक है। ये एलईडी वाला जो टर्मिनल था, इस एलईडी वाले टर्मिनल में कोई करंट नहीं आई, यानी जैसे ही इनपुट पे प्लस 5 देते हैं, आउटपुट एलईडी बुझ जाती है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर प्रॉपर बायस हो जाता है और बाईपास कर देता है करंट, और जैसे ही हम इनपुट को ग्राउंड करते हैं, दैट इज नो एनी
वोल्टेज आर जीरो इज गिवन, वैसे ही ट्रांजिस्टर इम्प्रॉपरली बायस होता है, वीसीसी की करंट लेना बंद कर देता है और वो करंट आउटपुट एलईडी से पास होती है, अकॉर्डिंगली आउटपुट एलईडी ऑन हो जाती है। इस तरीके से एक सिंगल ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर मोड बिहेव लाइक अ नॉट गेट। सिंबॉलिकली अगर बात करें तो सिंबॉलिकली इसी को आपने डिनोट किया है दिस, सिंबॉलिकली आपने इसको डिनोट किया हुआ है दिस, ये इस तरीके से आपके पास एक गेट आया कॉल्ड और गेट, आपके पास एक दूसरा गेट आया कॉल्ड गेट। क्यों बोल रहे हैं? आइदर इन आउटपुट प्लस 5 वोल्ट इज पास्ड और स्टॉप, पास्ड इज 1 स्टॉप इज 0, इसीलिए गेट लगा इसके नाम से आगे, या तो ये अलाउ कर रहा है जाओ या तो अलाउ नहीं कर रहा है, यही तो ऑप्शन कर रहा है कि आउटपुट में 5 वोल्ट या तो अप्लाई आने जाने दे रहा है या नहीं जाने दे रहा है। अकॉर्डिंगली दिस इज कॉल्ड गेट लॉजिक, का मतलब इन अरेंजमेंट हो गया। तो इन अरेंजमेंट जो प्लस 5 वोल्ट को आउटपुट में या तो अपीयर होने देता है या अपीयर नहीं होने देता है। प्लस 5 वोल्ट के अपीयर होने को 1 कहते हैं, न अपीयर होने को 0 कहते हैं। इस तरीके से कंप्यूटर रियल में कैलकुलेट नहीं कर रहा है, वो प्लस 5 वोल्ट के पाने और न पाने को काउंट कर रहा है और उसका जो कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहा है प्लस 5 वोल्ट को 1 से और 0 को 0 से, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन इज अ बाइनरी नंबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 बेसिक और फंडामेंटल गेट डिजाइन कर लिए जिनके थ्रू हम कंप्यूटर की मैथमेटिक्स को चेक कर सकते हैं। अभी हमें पहली दिक्कत ये हुई कि जब हमें कंप्यूटर में एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ा तो 3 अलग अलग गेटों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्यों ना कोई एक के गेट ऐसा बना लिया जाए उसी से सारा काम किया जाए, इनटू का भी काम उसी से कराया जाए, ऐड का भी काम उसी से कराया जाए, नॉट का भी काम उसी से कराया जाए, कॉल्ड यूनिवर्सल कैरेक्टर गेट। जब यूनिवर्सल कैरेक्टर गेट को डिजाइन करने की बारी आई तो पहला बना नैंड गेट, कहते हैं एंड गेट फॉलोड बाई नॉट गेट इज कॉल्ड द नैंड गेट। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर हम एक एंड गेट के आउटपुट को, ये ए है ये बी है, आपको पता है ये एंड है तो ए इंटू बी आ जाएगा, इसको नॉट गेट से पास कराइए तो आपको नॉट ऑफ ए एंड बी मिलेगा। एंड नाउ ये जो एज अ होल जो स्ट्रक्चर ये बना रहा है दिस इज कॉल्ड एंड का पूरा और नॉट का बबल उठा लीजिए। नाउ दिस इज द नैंड, यानी ये क्या करता है इनपुट को मल्टीप्लाई करता है और जो भी मिलता है ये बबल क्या करता है इन्वर्ट कर देता है, इसका नाम पड़ा नैंड गेट। क्या बेनिफिट हुआ अभी देख लेंगे, यानी पहला यूनिवर्सल कैरेक्टर गेट है नैंड। हम देखेंगे कि जब भी मार्केट में हम जाएंगे गेट लेने तो हमें एंड और नॉट ना मिलके नैंड गेट मिलेगा और कभी एक नहीं मिलेगा, मिनिमम 4 गेट का पैकेट मिलेगा कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी बंच मिलेगा आपको नैंड गेट का। या एक दूसरा आपको यूनिवर्सल गेट सजेस्ट कर रहे हैं नॉर, अभी इसको वापस लौट के अच्छे से डिस्कस करेंगे। नॉर कहा गया और गेट के आउटपुट को हमेशा नॉट से पास करा के रखिए, कंपोजिटली दिस इज कॉल्ड द नॉर। मतलब ये एक्स है, ये ए है, ये बी है, ये पहले ऐड करेगा तो ए प्लस बी हो जाएगा, जो भी आया उसका इन्वर्जन कर देगा कॉल्ड नॉट ऑफ ए प्लस बी एज द आउटपुट। अगर सिंबॉलिकली देखें तो आर पूरा और बबल उठा के दे दिए तो नार हो गया। दिस इज द सेकेंड यूनिवर्सल कैरेक्टर गेट, ये ए बी दे दीजिए, ये ऐड कर देगा ए प्लस बी, इन्वर्जन कर देगा, इन्वर्टेड ए प्लस बी एज द वाई। खास बात, या तो हम मार्केट से नैंड गेट उठाते हैं या नॉर, अगर नैंड या नॉर में से कोई भी एक हमारे पास अवेलेबल है तो वी आर एबल टू यूज नैंड एज अ ना आर, नैंड एज अ एंड, नैंड एज अ नॉट एंड नैंड एज अ नॉट, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड इज एबल टू यूज लाइक अ और गेट और लाइक अ एंड गेट और लाइक अ नॉट गेट, या एक यूनिवर्सल गेट से दूसरे यूनिवर्सल गेट को डिस्कस कर सकते हैं। मान लेते हैं कह देता नॉट का बुलेन, नैंड का बुलेन या नॉर का बुलेन एक्सप्रेशन लिखिए, तो नैंड का बुलेन मतलब एंड हुआ पहले तो ए एंड बी का नॉट हुआ, यानी बुलेन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट इज नॉट ऑफ एंड,
एंड बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉर इज नॉट ऑफ ए प्लस बी वाई। मान लेते कह रहा है मेक द ट्रूथ टेबल, तो इनपुट तो अभी भी ए बी है, पहले ए इंटू बी निकाल लीजिएगा, फिर नॉट ऑफ ए इंटू बी निकाल लीजिएगा, यही ना ट्रूथ टेबल होगा। आपको पता है 0101 डबल जीरो डबल वन इंटू भी पता है जीरो 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 वन इन्वर्जन करना है, रिवर्स करना है, जीरो का नॉट वन, जीरो का नॉट वन, जीरो का नॉट वन एंड वन का नॉट जीरो। यानी कि दिस इज द लॉजिक सिंबल ऑफ नैंड गेट, दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट, दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट। अगर नैंड गेट लिखने को आता है तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। अगर आता है कि नैंड गेट से बाकी के गेट को बनाइए, तो हम साइड में आपको डिजाइनिंग दिखा रहे हैं कि नैंड गेट का कॉम्बिनेशन कैसे एंड गेट का आउटपुट, और गेट का आउटपुट, नॉट गेट का आउटपुट, इवन दो एक यूनिवर्सल दूसरे यूनिवर्सल के बिहेवियर को जनरेट कर सकता है। देख लेते हैं, आ जाइए नॉर में। नॉर में अगर आए तो नॉर में आपको नॉट और यानी कि अगर बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो वो तो दे ही दिए, लॉजिक सिंबल भी दे ही दिए आपको, ठीक है। मान लेते हैं आपसे कहा जा रहा है मेक द ट्रूथ टेबल, तो आप इनपुट तो ए भी ही लेके चलेंगे, और इनपुट का आपको टेबल बनाने आता है, एक एक का अल्टरनेट 0101, दो दो का अल्टरनेट 0011, ये हो गया। अभी अगर आप आउटपुट देखें तो पहले ऐड होगा ये ए प्लस बी, उसके बाद इन्वर्ट हो जाएगा ये नॉट ऑफ ए प्लस बी। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 0, 0 इज डिस्कार्डेड, सो फाइनली वी हैव 1। नाउ नॉट रिवर्स हो जाएगा, 0 का नॉट 1, 1 का नॉट 0, 1 का नॉट 0, 1 का नॉट 0। दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ नॉर गेट। चलिए आते हैं यूनिवर्सैलिटी ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट का हम यूटिलाइज करके अदर गेट अगर बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनेगा। जो आईसीज है इनकी, जैसे नैंड गेट, जब मार्केट में आप लेने जाएंगे नैंड गेट, तो आपको आईसी एक ब्लैक कलर का आपको ऐसे छोटा सा इतना बड़ा क्यू या क्यूबाइड का ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें आपको, इसके अंदर मैं दिखा रहा हूं एक नैंड गेट, ये इसके अंदर ऐसे 4 नैंड गेट्स लगे हुए हैं। कितनी लेग बाहर निकली हैं? 3 इसकी 3 इसकी 6 और 6 उधर 12 और 2 एक्स्ट्रा एज अ पावर सप्लाई जो जरूरत पड़ेगी। यानी कि 3 3 6 6 12 जो 14 टंगड़ी का ये इंटीग्रेटेड सर्किट तैयार हुआ है। ये एकदम परफेक्ट ब्लैक है, अंदर कुछ नहीं दिखेगा। ये जो आपको पिन की स्टेटस बताई जाती है, उस पिन की स्टेटस में एक तरफ ये नॉट होता है, एक तरफ ये ऐसे कटा रहता है और एक डॉट लगा रहता है, मतलब इधर से काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7। 7 को ग्राउंड पिन कहते हैं। इसको जो एक्सटर्नल सप्लाई, जिस सप्लाई को ऐड करने वाले हैं उसका नेगेटिव आप यहां ला के जोड़ देंगे, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 को आप पावर सप्लाई कहते हैं। जो आपको पावर सप्लाई दी गई है उसका जो नेगेटिव है वो 7 नंबर पे ऐड होगा, और उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो 14 नंबर पे ऐड होगा। ये मतलब है अब ये काम करने के लिए तैयार है। यानी कि आपको 4 नैंड गेट की आईसी मिलती है। आपके एक्टिविटी में इसका नंबर दिया गया है 74LS00। मीन्स ये नैंड गेट की आईसी होती है, इसमें 4 नैंड गेट होते हैं। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाना है, एक आईसी आप लेके आते हैं 10 या 12 रुपए की होगी, बहुत होगी 50 रुपए की होगी, 74LS00, तो 4 नैंड गेट आपको इसमें मिलेगा। मान लेते हैं आपको नैंड गेट से नॉट गेट बनाना है, नैंड से नॉट,
एक NAND गेट अगर आपको मिल जाए, इसमें से एक NAND गेट आप अगर आप यूज करना चाहते हैं तो एक इस NAND गेट में करिए क्या, इसका दोनों टर्मिनल जो इनपुट है वो 1 और 2 दोनों को फ्यूज करके एक कॉमन टर्मिनल बना लीजिए और आउटपुट टर्मिनल 3 ले लीजिए। देखिए जब 0 देंगे तो ये 0 0 0 पहले इनटू करेगा 0 का नॉट 1, 0 लगाया तो 1 हो गया नॉट, 1 लगा दीजिए 1 मतलब प्लस 5 वोल्ट, ये 1 हो जाएगा ये 1 प्लस 5 प्लस 5 1 1 पहले इनटू करेगा तो 1 * 1 1 का इनवर्जन हो गया नॉट गेट, यानी कि एक NAND की IC से 4 नॉट बना, 4 NAND मिले ना एक बार, ठीक है तो 4 NAND मिले यानी एक NAND गेट की IC से 4 नॉट बनेंगे। मान लेते हमसे कह रहा है कि NAND से AND बनाइए, NAND से AND, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप दो NAND गेट का इस्तेमाल करेंगे एक AND गेट बनाने में। देखिए कैसे, ये एक NAND हो गया कि आउटपुट को दूसरे NAND के NOT से पास करा दिए, मतलब एक NAND गेट, जैसे पहले NAND गेट का देखिए टर्मिनल 1 2 हो गया तो आउटपुट कहां निकलेगा 3, और दूसरा NAND गेट क्या 5 है ना, ये ना इनपुट है, ये दूसरे NAND गेट का 5 है, क्लियर है, क्या किए होंगे, पहले NAND गेट के 3 नंबर के टर्मिनल को दूसरे NAND गेट के 5 और 6 से जोड़ देंगे तो उसका आउटपुट जो है वो 4 पर आ जाएगा, और एक्चुअली में यानी कि दो NAND गेट का इस्तेमाल हो गया, यहां हम 1 2 इनपुट के लिए छोड़ देंगे और 3 जो निकलेगा वो 5 6 में उठा के जोड़ देंगे, आउटपुट यहां ले लेंगे, क्लियर है, यहां इनपुट देंगे 1 2 पर और 4 पर आउटपुट चेक करेंगे, चेक करें आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 बन करके देख लीजिए, क्यों 0 बन करके देख लीजिए, क्योंकि इनटू होगा तो 0 हो जाएगा और अगर ऐड हुआ होगा तो 1 हो जाएगा, आसान है ना, 1 1 देखेंगे तो लफड़ा है क्योंकि 1 प्लस 1 और 1 इनटू 1 तो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा ना, वैसे तो आप कुछ भी चेक कर सकते हैं लेकिन सबसे आसान तरीका है कि आप 0 या चलिए ए भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, हमने यहां ए दिया यहां बी दिया, आपको पता है ये पहले क्या करेगा, पहले इनटू करेगा फिर नॉट ए बी करेगा, और आपको पता है ये पूरा का पूरा तो नॉट है ना, देखिए मतलब नॉट ऑफ नॉट कहते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज अगेन द होल नंबर, वो आपको वापस मिल जाएगा, यानी नॉट ऑफ ए बी जब इससे पास होगा तो ये नॉट ऑफ ए बी दैट इज सिर्फ ए बी, मान लेते हैं नहीं समझ में आया तो चलिए आप 0 1 लेके चलिए आपको दिख जाएगा, मतलब डबल नॉट आ जाए तो मतलब हटा हट जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट या आप कहते हैं नॉट ऑफ नॉट तो वापस होता है, ऐसे समझ लीजिए ये 1 ले लीजिए ये 0 ले लीजिए, पहले इनटू करेगा 0 हो जाएगा का इन्वर्जन करेगा 1 हो जाएगा, ये नॉट गेट है NAND का 1 का नॉट 0 हो जाएगा, देख लीजिए 1 इनटू 0 0 क्योंकि अगर ऐड किया होता तो 1 प्लस 0 1 आता, मतलब दिस इज द AND गेट, वैसे भी समझिए AND में नॉट जोड़े थे तो NAND बना था, तो एंड में नॉट जोड़े तो NAND बना, एक और नॉट जोड़ दीजिए, नॉट ऑफ एंड गायब हो गया नॉट, यही तो है NAND पर के आउटपुट को अगर नॉट से पास कराना है तो NAND ऑफ एंड फॉलोड बाय नॉट इज अगेन द एंड, ये मतलब है नॉट नॉट एंड, तो इस तरीके से ये दो NAND गेट, यानी कि आप इस IC को अगर रखे हुए हैं तो दो AND गेट इसमें से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आ जाइए अगर मैं कहता NAND से और बनाने के लिए तो कि NAND से और बनाइए तो भाई आपको तो रटना पड़ेगा, हम लोग तो प्रैक्टिकल विजुलाइज किए हुए हैं, अगर हम 3 NAND गेट आपको यूज करने दें तो आप एक और गेट जनरेट कर सकते हैं, ये पहला NAND गेट हुआ, ये दूसरा NAND गेट हुआ और ये तीसरा NAND गेट हुआ, 3 NAND गेट, ध्यान से देखिए अगर हम लिखने की कोशिश करें बात मत कीजिए, ये देखिए 1 2 एक जगह हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, रोक लीजिए, दूसरा NAND गेट 5 6 समझ में आ रहा क्या कर रहा है, दूसरा NAND गेट ये 5 6 और इसका आउटपुट कहां है, ये 4 4 हो गया, एक और NAND गेट चाहिए कोई भी एक उठा लीजिए, मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा 9वां 8वां और आउटपुट किस पर है 10वें पर, क्लियर क्या करना है, तीसरा और 9वां जोड़ देना है, 4वां और 8वां जोड़ देना है, पहला और दूसरा एक तार से जोड़ के बाहर कर लेना है और 5 और 6 जोड़ के और 10वें नंबर पर आउटपुट चेक करना है, नाउ दिस स्टार्ट्स टू बिहेव लाइक अ OR गेट, तो नारा कैसे सब आपस में पिन जुड़ गई हैं, अब वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आता है पलट के देखिए तो नीचे वहां सर्किट रहता है ना उसी के ऊपर तो आईसी चिप रहती है, देखिए पीछे मदरबोर्ड भी रहता है, जाते समय ध्यान से देखिएगा उस पर कितनी सारी आईसी लगी हुई, पीछे मदरबोर्ड घूमता उड़ा दिए उस पर,
ठीक है, तो उसमें आप देख सकेंगे आईसी, एक आईसी, एक छोटी सी आईसी, मतलब आप देख रहे हैं 14 पिन ना, उसमें 75 पिन का लगा हुआ कैट हो गया, 14 पिन मतलब 4 NAND, 75 पिन के 1000 कॉम्बिनेशन बैठाए गए हैं उसमें, ठीक है। वो 7 लेयर का मदरबोर्ड है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, इट इज करंसी, ठीक है। कॉम्पैक्टनेस बढ़ाने के लिए क्या किया गया, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर कर देने से, भाई साहब मुंह मीठा हो गया, पानी उधर है भाई साहब, बड़े खुश हो रहे हैं चॉकलेट के नाम से, भाई पानी भी पी लीजिए ना, उधर है, और अगर ज्यादा मुंह मीठा हो गया तो आ जाइए, नहीं मुंह लेकर मत आएगा, चॉकलेट लेकर आइए, चॉकलेट लेके आ जाइए इधर, हम लोग भी मुंह मीठा कर लेते। चलिए भाई साहब, चलिए चलिए वापस आइए, वापस आइए, बोर्ड का एग्जाम बहुत पास कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो अगले महीने से आप प्रैक्टिकल लेके परेशान होने लगेंगे, स्कूल वाले लिखवाना शुरू करेंगे, 20-20 एक्टिविटी लिख के लाइए और सारा प्रैक्टिकल छाप के लाइए, कहीं से भी, भले आपने किया हो चाहे ना किया हो, ठीक है। और एग्जाम के दिन आपको सजा सजाया अपरेटस मिलेगा, बोला जाएगा मीटर ब्रीज, तो बच्चा पूछेगा धीरे साके सर कौन वाला है मीटर ब्रीज, साल भर तो कुछ कराया नहीं गया, तो ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जाके खड़े हो जाएंगे, बोलेगा ऑप्टिकल ब्रिज, पता चलेगा सोनोमीटर पर जाके, बोलेगा सर भेजे हैं, एग्जाम में बोलेगा प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, तो बोलेगा सर हमें कुछ करना नहीं है सर, अभी ऑन कर दीजिए, देखिए ऐसे ऐसे सर कर लेंगे, और आपके सर है इतनी हेल्प करेंगे कि बोलेंगे कि अभी मैं इनको ले जाऊंगा बाहर तो तुम लोग छाप लेना, तो आपको हेल्प मिल जाएगी, या तो बोले होंगे पहले ही कि रट लेना ज्यादा अच्छा है। तो मतलब हमने क्या किया, हम ये नंबरिंग जरूरी नहीं है आपके लिए, मैं कह रहा हूं ये स्ट्रक्चर खाली याद रखिए कि 2 NAND और एक तीन NAND गेट, ये तो मान लेते हम आपको आईसी दे देते और जस्टिफाई कराने को कहते तो आप ये परीक्षण पूरा करें, तो फिलहाल इतनी भी ज्यादा फिजिक्स की जरूरत नहीं है आपको कि हम लेबोरेटिकली आईसी दे के जस्टिफाई कराएं, बस आप जान लीजिए इतना ही काफी है, क्योंकि लिखने के लिए आएगा, ठीक है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ये सब इसका लैब बड़ा मजेदार होता है। यहाँ अगर हमारे पास 3 NAND गेट है, हमने 1, 2 और 3 NAND गेट इस ऑर्डर में कर रखा है, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, आपको पता है यहाँ नाटे निकलेंगे, यहाँ नाट B निकलेंगे, और ये क्या करेगा, ये इंटू कर देगा इनको, क्यों, एंड ही तो है, पहला एंड है फिर नॉट है, ये नॉट A एंड नॉट B, ठीक है। और जब ये बबल फॉलो करेंगे तो नॉट बन जाएगा, इन पूरे का नॉट बन जाएगा, नॉट ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। एक्चुअली में अगर इसको सॉल्व करना सिखाए तो एक थ्योरम एग्जिस्टेंस में आएगा कॉल्ड द डी मार्गन थ्योरम, ये हम प्रूव कर देंगे आगे चल के, दिस इज द ए प्लस बी। मान लेते नहीं प्रूव कर पाए तो आप 0-1 लेके देख लीजिए, क्या बात है भाई, या तो ढेर समझ में आ रहा है या तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, ढेर समझ में आ रहा है तो भी मोस्ट वेलकम है, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी मोस्ट वेलकम है, दोनों केस में आपको याद करना है, क्योंकि आपको वहाँ लेक्चर नहीं देना है जाके, आपको वहाँ लिख के आना है, और लिख तभी पाएंगे जब रटे होंगे, समझे होंगे तो हवा में ताक रहे होंगे और पेन रुका होगा, तो जब आप कॉपी पे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो नंबर आपके जीनियस होने से नहीं मिल जाएगा, ठीक है। आप जितना अच्छा लिख पाएंगे, जितना ज्यादा लिख के बता पाएंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे फोटो लगी हुई है आपकी, आपके पास की, ठीक है, ताकि जहाँ तक कह रहे हैं SDM साहब का बेटा या बेटी है, या आपकी फोटो लगेगी इज अ वेरी ब्यूटीफुल नाइट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपने वेल एक्सप्रेस किया है तो आपको नंबर देगा, अगर वेल एक्सप्रेस नहीं किया है तो कोई नंबर नहीं देगा, कितने भी जीनियस आप क्यों ना हो। तो अकॉर्डिंगली आपको दोनों सिचुएशन मोस्ट वेलकम है, रट के सफलता पाइए चाहे समझ के याद करिए और देन सफलता पाइए। चलिए हमने कहा 0-1 लेके देख लेते हैं क्या किया इसने, 0 का नॉट 1, 1 का नॉट